ये वाई प्लस सिक्योरिटी सिर्फ एक इंसान से एक सच्चाई की लड़ाई को बचाने के लिए दिए हैं। वो इंसान जिनका नाम असद जी है, लोगों को डेथ थ्रेट्स देते हैं, उनको कौन है भैया डेथ थ्रेट देने वाले? उनका तो दोस्ती मुख्तार अंसारी जी से है ना। देखिए तो सही उनकी दोस्ती क्या लेवल पे है। आईएसआईएस लोग उनसे हैं, मुख्तार अंसारी से हैं, हाँ किंग्स ग्रुप से हैं। वो भला इनको दे दे डेथ थ्रेट। वाई प्लस सिक्योरिटी सिर्फ एक इंसान से एक सच्चाई की लड़ाई को बचाने के लिए दिए हैं। वो इंसान जिनका नाम असद जी है, जो एक पहलवान के बेटे को जेल में डाल सकते हैं, वो असद जी जिनके दोस्ती किंग्स ग्रुप से हो सकता है, वो असद जी जो वक्फ बोर्ड के लैंड कब्जे होने पर भी चुप रहते हैं, वो असद जी जो शमशाने तोड़ने पर चुप रहते हैं, वो असद जी जो SC ST पारदीवाड़े के औरतों पर जुल्म होने पर चुप रहते हैं। तो अब तो हमको सोचना पड़ेगा ना भैया कि किस किस को पाल कर बड़े कर रहे हैं वो। लोगों को डेथ थ्रेट्स देते हैं, उनको कौन है भैया डेथ थ्रेट देने वाले? उनका तो दोस्ती मुख्तार अंसारी जी से है ना। देखिए तो सही उनकी दोस्ती क्या लेवल पे है। आईएसआईएस लोग उनसे हैं, मुख्तार अंसारी से हैं, हाँ किंग्स ग्रुप से हैं। वो भला इनको दे दे डेथ थ्रेट साहब। और दूसरी बात, करते हैं इतने बड़े बड़े काम और 40 साल से बोलते हैं हमारा गढ़ है, और बोलते हैं उनको डेथ थ्रेट है, और ऊपर से बोलते हैं मुर्गी नहीं है। असर पहली बार बताए उनको मुर्गी किसने कहा? खुद तो कह ले रहे अपने आप को मुर्गी। जब खुद को मुर्गी समझते हैं, कमजोर समझते हैं, तो हम भी क्या कर सकते साहब? हम भी कुछ नहीं कर सकते, ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता। हम मुर्गी जाने क्या कर सकती है, मुर्गी क्या नहीं कर सकती है। 40 साल MP रहने के बावजूद आज अपने आप को मुर्गी के हैसियत पे ला लिए हैं, तो कुछ तो सच्चाई है जो बाहर निकल रही है। मैम, कल कांग्रेस के मैनिफेस्टो रिलीज करते वक्त राहुल गांधी जी ने यह कहा था कि BJP नफरत फैला रहा है, और उनके मैनिफेस्टो लोगों का दिल में जो इच्छा है वही बता रहा है। जो BJP लोगों के दर्द समझने के लिए इतने ढेर सारे आयोजना निकालते हैं, जो अनपढ़ औरतों के लिए भी हैं, जो जिनके घर में रोजी रोटी नहीं चलती है उनके लिए भी योजनाएं हैं, लड़की जन्म होती है तो उनके लिए योजना है, लड़का बड़ा होता है लेकिन उसको पढ़ाई नहीं रहती है, स्ट्रीट वेंडर बन जाता है तो उसके लिए भी योजना है, जिसके पास घर नहीं है उसके लिए भी योजना है, और जो हिंदू नहीं है मुसलमान की बेटी है उसके दर्द और आंसू के लिए भी एक ट्रिपल तलाक इंस्टेंट रद्द हो जाता है।